Okay, Bismillahir Rahmanir Rahim. Thank you very much for joining me today's session. My name is Hamida Sir, and on behalf of Institute of Freelancing and PF Finishing School, I welcome you all. Another new document, new episode of this, create something like a banner. या कोई इस तरह की बेसिक चीज जो कि इलस्ट्रेटर में हम क्रिएट कर सकते हैं. यूजुअली इस तरह के टास्क फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर यू फाइंड आउट एंड ऑन एवरेज उनकी कॉस्ट अबाउट व्हेन यू से इन द गिग्स प्रोबेबली वंस गिग से टू गिग से ऊपर की ही ये रिक्वायरमेंट होती है. मींस अप्रोक्सीमेटली $10 जॉब जो कि ऑटोमेटिकली आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाकर भेजना पड़ता है. तो बैनर डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट स्टाइल के बैनर्स होते हैं, एंड इंशाल्लाह विल कवर सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो. लेकिन आज का टॉपिक इज मेनली रिलेट्स टू द बैनर्स जो के वेक्टर शेप में या इलस्ट्रेशंस में हम लोग क्रिएट करते हैं. फर्दर उसके साथ आप डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं, वो इंशाल्लाह हम साथ साथ आज करते रहेंगे. सो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग द बैनर टुडे, एंड वी स्टार्ट विद द रेक्टेंगल टूल. लेकिन लेट मी प्लेस हियर बैनर ताकि सबको पता लग जाए कि आज हम व्हाट एग्जैक्टली इज द थिंग व्हिच वी आर स्टार्टिंग अप टुडे. सो ये आपने किया और उसके बाद लेट्स मेक अ फॉर्म ऑफ अबाउट दिस साइज और इसको प्लेस कर दिया समवेयर इन द सेंटर. ठीक है जी, एंड लेट्स पिक अप योर फर्स्ट टूल एंड दैट इज रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर टूल की ऑलमोस्ट ऑफ दिस शेप. And let's make two more copies of this. First thing जो आपने करनी है इसका stroke is not required, so just need to cancel this up. And the color required जो के है, which should be a crystal clear vibrant color, something like this, maybe something like this. ठीक है जी, हम इस तरह का एक banner इस color combination के साथ आज create करने जा रहे हैं. So, किस तरह क्रिएट होता है, इट्स वेरी सिंपल. आपने ये इसका मेन बनाया जिसमें योर टेक्स्ट विल राइज अप. अब इसकी रहेगी बाउंडिंग्स और साइड वॉल्स और साइड्स इसकी, उसके लिए विल मेक अ कॉपी ऑफ दिस. कॉपी करने के लिए लास्ट टाइम आपको तरीका बताया था, जस्ट इसके ऊपर आए, प्रेस द आल्ट की, विल गिव यू एन ऑप्शन टू मेक अ कॉपी ऑफ दिस. अगर आप किसी डायरेक्टली इसके नीचे नहीं बनाना चाहते, मूव करना चाहते हैं किसी और लोकेशन के ऊपर, तो डू नॉट प्रेस द शिफ्ट की. इफ You want के डायरेक्टली इसके नीचे आए तो जस्ट प्रेस द शिफ्ट की एंड ऑटोमेटिकली बिल्कुल उसके अंडर 90 डिग्री के ऊपर प्लेस हो जाएगा. एंड इफ यू वॉन्ट टू मेक अनदर कॉपी विच इज डुप्लीकेट, तो वन ऑप्शन इज दिस, किसी को उठा के दोबारा ले जाए या जस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस डी टू मेक अनदर कॉपी ऑफ दिस. ओके, सो ये दिस ब्लॉक कैन बी फॉर दिस साइड एंड दिस ब्लॉक कैन बी फॉर दिस साइड. सो लेट्स से हम इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा, शिफ्ट की के साथ मैं इसको और शिफ्ट की प्रेस करके इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ. या दूसरा तरीका ये है कि माउस से इन दोनों को किसी भी साइड से इन दोनों के एजेस को पकड़ लेता हूँ, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, सेंटर से इसको पिक करके मैं ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इसका हाफ जैसे ही करूँगा तो ये गौर से देखें, ये लाइन एक क्रिएट हो जाएगी. दिस गिव यू मेरे आइडिया कि ये सेंटर है किसका, ऊपर वाला जो हमारा टॉप बैनर का सेंटर वो है ऊपर वाला उसका. ठीक है जी, सो इट इज स्टिल वेरी लार्ज, इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, लेट्स से अप्रोक्सीमेटली ऑफ दिस साइज. ठीक है जी, इस वाले को उठा के हम प्लेस करते हैं सेंटर से, पिक करते हैं और प्लेस करते हैं समवेयर हियर. आपका बैनर इस तरह का भी हो सकता है, इस शेप का भी हो सकता है. लेट्स सी, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसको उठाकर पिक दिस फ्रॉम द सेंटर एंड प्लेस इन पैरेलल दिस. ओके जी, वी हैव अनदर पार्टिसिपेंट्स. ओके, अब बेसिकली करना ये है कि जो जो बैकग्राउंड में चला गया, दिस इज सपोज टू बी द फ्रंट साइड, सो राइट क्लिक, अरेंज एंड ब्रिंग इट टू फ्रंट प्लस शिफ्ट कंट्रोल प्लस बड़ी ब्रैकेट्स के साथ यू कैन ब्रिंग इट टू द फ्रंट. एंड द लोअर पार्ट वुड बी ऑफ बाय डिफॉल्ट नाउ वुड बी इन अ बिट डार्क शेप बिकॉज ऑफ द स्टॉप. जो फ्रंट पे है चीज, दैट शुड बी इन द लाइटर बिकॉज मे बी if you consider this light aapki taraf se ja rahi hai uske upar, to this would be a lighter and ye thoda sa distinguish further karne ke liye we can make it a bit darker one. So humne ye lighter pick kiya tha to iska hum ye darker version choose karte hain, right? So aasta aasta banner ki shape banna shuru ho chuki.
लेट्स सी, अब हमने ये तीन पार्ट्स इसके बना लिए. फर्दर वी नीड अनदर टू पार्ट्स जो कि इसकी डिटेल्स क्रिएट करेंगे, एंड दैट वुड बी ऑफ दिस एंगल एंड टू दिस एंगल. देयर आर वेरी सिंपल वेज, आप यहाँ से करें जूम इन, थोड़ा सा आल्ट की के साथ माउस की को अप करते जाएंगे तो यू विल जूम इन. देयर इज अनदर ऑप्शन, वेरी सिंपल, अगर ये आपके पास नहीं है तो देयर इज इन द बॉटम यू सी, ये आपके पास जूमिंग की सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं. आप यहाँ से जिस लेवल के ऊपर राइट नाउ 400, आप 600 लेवल पे जाके इसको जूम इन करें और प्रेस द स्पेस बार एंड सेंटर प्रेस करें. अब क्योंकि आपने ये चीज़ एक ड्रॉ करनी है ट्राइंगल, सो लेट्स क्रिएट अ पेन टूल एंड इन कॉर्नर से लेट्स पिक अप दीज टूल्स फ्रॉम हियर. थोड़ा सा स्ट्रेटन यहाँ से एग्जैक्ट इस कॉर्नर पे एंकर पॉइंट एंड देयर, ठीक है जी. अब बेसिकली चूंकि ये शेडो है so let's make it a little bit more darker, or maybe हमने जब ये कलर चूज किया था तो we had the third option जो कि ये वाली, ठीक है जी. so let's see, ये हमारा shadows का बन गया. अब हमने basically इसी चीज को copy करना है इस तरह, तो you have two options. one is के copy paste करें और उधर आके इसको rotate कर लें. दी सेकेंड ऑप्शन इज के वो कैसे करेंगे, चले पहले वो करते हैं. आल्ट की से इसकी बनाई कॉपी, शिफ्ट की से एग्जैक्टली ये 45 डिग्री के ऊपर ये मूव करता. जैसे ही इसके पास आएगा तो ऑटोमेटिकली ये विल आपको बताएगा कि यू आर ऑलमोस्ट एट द एग्जैक्ट प्लेस, ठीक है जी. नाउ यू हैव टू प्रेस द आल्ट की और जस्ट इसको यू कर देना आपने, दैट्स इट. ओके सो दिस इज वन ऑप्शन. लेट मी डिलीट दिस वन and give you another option of making copy of this in the toolbox. ye ek option hai that is called the reflect tool and the shortcut key is O, theek hai ji. press kare enter kare and make a copy of this. ye aagi copy, theek hai. ab aap isko utha ke shift key ke sath yahan pe le, that is another option. करेक्ट. सो इस तरह करते करते ये आपकी एक बेसिक शेप होगी ऑलमोस्ट कंप्लीट. आप अकॉर्डिंगली अगर बैनर की ये वाली चीज को आप थोड़ा सा फर्दर ब्यूटीफाई कर दें तो योर जॉब इज ऑलमोस्ट डन. सो लेट्स सेलेक्ट दिस वन, प्रेस द पेन टूल, पी इज फॉर पेन और ये आ गया पेन टूल. एंड लेट्स क्रिएट, यहाँ पे आके press the click here, this will create an anchor point here, ठीक है नहीं. इसी तरह ही pick this one और इसका anchor point आ जाएगा यहाँ. गलत हो गया इसलिए कि ये हमने delete, इसको पहले select करें then pick the pen tool and इसके parallel में आके यहाँ पे आके click करेंगे. as this is showing plus तो बाय डिफॉल्ट मींस के ये हो चुका है. नाउ इंस्टेड ऑफ सिलेक्शन टूल, अब आप क्विक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएंगे, पिक करें, पहले सिलेक्ट करेंगे इसको और सिलेक्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपना सेंटर वाला पॉइंट एंड मूव करेंगे इसको इधर या मे बी इस तरफ, मे बी आउटसाइड मे बी इनसाइड. लेट्स सपोज हम इसको आउटसाइड थोड़ा सा मूव कर देते हैं टूवर्ड्स दैट साइड एंड इसको सिलेक्ट करेंगे सेंटर में क्लिक करने से विद दी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल. ए प्रेस करने से ये वाला एरिया एक दफा एंकर पॉइंट पे क्लिक करने के बाद इसको भी बिल्कुल ऐसे ही हम प्रेस कर देंगे आउट, ठीक है जी. सो ऑलमोस्ट वी आर डन. अब हम बेसिकली इसके बाद द नेक्स्ट स्टेप व्हिच यू नीड टू रिमेंबर इज के अब फन टाइम स्टार्ट हो गया. वो किस तरह के सारे आर्ट वर्क को आपने करना है सेलेक्ट एंड करना है ग्रुप, ठीक है जी. बिफोर अप्लाइंग एनी फर्दर थिंग ऑन इट, अगर इफ़ यू से कि आपका ये कलर कम्बिनेशन इज ओके तो यू आर ऑल सेट. इफ़ यू थिंक इस इज नॉट ओके तो अभी आप इसको जाके यहाँ से चेंज कर दें, बिकॉज इसके बाद हम नेक्स्ट फेज में जाने लगते हैं. लेट्स मेक अ कॉपी ऑफ दिस.
अब एग्जैक्टली अंडरनीथ दिस वन एंड चलें वी हैव अनदर सीपीयू सो लेट्स मेक अनदर कॉपी ऑफ दिस तीन हम प्लेस कर लेते हैं अपर वन को सिलेक्ट किया आपने नाउ दिस इज योर आर्ट वर्क इन द ग्रुप फॉर्मेट आप इफेक्ट्स पे जाएंगे एंड यू हैव ऑल द इफेक्ट्स आप इनमें से जो मर्जी आप इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं आप जाके वो इसको किसी भी शेप में आप यहाँ से जाके लेट्स सपोज आर्क शेप में दें और इसको किसी भी शेप में आप लेके चले जाएंगे दैट इज वेरी मच योर चॉइस सो लेट्स सपोज मैं इसे कर देता हूँ 18 व्हिच इज आई अज्यूम के इट इज क्वाइट रीजनेबल या इसको 20 चले 20 कर देते हैं एंड दैट्स ओके एंड इंस्टेड ऑफ इसमें हम बेसिकली थोड़ी सी चेंज करते हैं कि अनग्रुप करके इसके जो एंकर पॉइंट्स हैं ये जो हमने बाहर निकाले इनको अंदर वाली साइड ग्रुप करें ठीक है सो इस सेंटर से पिक करेंगे ये वाला एरिया सिलेक्टेड शिफ्ट की के साथ इसको अंदर वाली साइड प्लस माइनस 54.5 एंड इसको सिलेक्ट करेंगे ये एरिया सिलेक्टेड एंड इसको करेंगे 54.5 ठीक है जी ये आपका अब आप इस सारे को करेंगे दोबारा ग्रुप राइट क्लिक एंड ग्रुप यही इफेक्ट जो आपने इसके ऊपर अप्लाई किया था इसी में ही आप बॉट में आर्क लोड एंड लेट्स टेक अ प्रीव्यू ये देखो देयर इज अनदर शेप व्हिच पॉप्स अप ठीक है सो इसको अब आप उठाएं और थोड़ा सा ले जाएं शिफ्ट की के साथ ऊपर ताकि ये एग्जैक्टली और इसको भी ले आते हैं हल्का से कुछ इसको भी एंकर पॉइंट्स इफ यू वांट तो राइट क्लिक अनग्रुप एंड एंकर पॉइंट्स तो विद द हेल्प ऑफ ए मींस डायरेक्ट सिलेक्शन से अब इसको करते हैं ना सिर्फ ये बल्कि इसको ले आते हैं थोड़ा सा नीचे इस एंगल ठीक है मैं ये करता हूँ कि इस एंगल को करता हूँ और ले आता हूँ एग्जैक्टली इसके अंदर ठीक है जी अब हम इसको करेंगे दोबारा ग्रुप व्हेन सिलेक्टिंग दिस होल थिंग राइट क्लिक एंड ग्रुप और आई वुड रिक्वेस्ट कि इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज करें ताकि ये उससे थोड़ा सा कॉमन हो जाए इफेक्ट पे जाएं वॉट पे जाएं बल्ज एंड लेट्स टेक अ प्री अब बल्ज के बजाय आप शेल लोअर कर दें तो बल्कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं फ्लैग ऑप्शंस कर दें ओके एंड दैट्स हाउ योर बैनर पॉप्स अप ठीक है अब आप इसको करें थोड़ा सा जूम इन तो यू फाइंड आउट कि कितना खूबसूरत जो ब्यूटी ऑफ दिस इलस्ट्रेशन है या इलस्ट्रेटर है ये आपको पता तब लगेगी जब आप इस सारे को किसी शेप में लेते हैं बेसिकली अब आपने करना ये है कि जब आपको ये आर्ट वर्क कम्प्लीट हो जाता है जैसे ही सारा टास्क कम्प्लीट हुआ आप सारे एरिए को करते हैं सेलेक्ट ठीक है एंड फाइल से करते हैं आप एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट से जाके इसे करते हैं PNG फॉर्मेट तो ये वेक्टर फॉर्मेट में आपके पास एक आ जाता है पूरा कंप्यूटर अब अगर आप यूज आर्ट बोर्ड करेंगे तो दैट मींस डिफरेंट अगर यूज आर्ट बोर्ड नहीं करेंगे तो पूरी की पूरी सिलेक्शन को पूरे के पूरे पेज को उठा के ये जिसना कर देगा ट्रांसपेरेंट शेप में अगर आपने 72 dpi मींस डेप्थ इसको करना है तो लेट मी डू दिस अगेन एक्सपोर्ट png without using artboard with using artboard export anyway I don't know kyun nahi ho raha lekin agar aapne web ke liye output leni hai to 72 dpi agar aapne isi ko print quality ke liye dena hai like publishing ke liye to 300 dpi ke upar aap isko click karenge select karenge okay and aapka 300 dpi ka एक इमेज पॉप अप हो चुका है लेट मी ओपन अप दिस इमेज फर्स्ट शो द डेस्कटॉप एंड इमेज को मैं ओपन करके फिर आपके साथ शेयर करता हूँ न्यू शेयर एंड लेट्स ओपन दिस इमेज अब आप देखिए ये आपके पास फुली ट्रांसपेरेंट इमेज आई एम श्योर कि आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा अब आप इसको थोड़ा सा 100% पे जाकर चेक करें तो यू फाइंड आउट कि इसकी क्वालिटी इज
स्क्वायर टू को क्रिस्टल क्लियर कंट्रोपोर्शन, कोई किसी किस्म के दरमियान में एजेस टॉप्स ये वो। लेकिन इफ यू वांट टू मेक इट फॉर लेट्स सपोज ये बैनर आपने क्रिएट किया एंड पैनल क्रिएट आप कर रहे हैं फॉर मोर हायर रेजोल्यूशन, सो लेट्स स्विच अगेन टू इलस्ट्रेटर। वेयर इज द इलस्ट्रेटर? ये हम वापस इसके ऊपर आए और आपने फाइल से जाके एक्सपोर्ट किया सेम उसी के ऊपर सेव, और 300 dpi के बजाय आप इसको 600 dpi कर दें, 600 dpi। तो दिस वुड बी वे टू बिग, वे टू बिग। ये आप किसी भी बड़े ह्यूज पैनाफ्लेक्स के लिए या प्रिंटिंग प्रेस किसी जगह बहुत बड़े लेवल का काम है तो उसके लिए अब आपने इसकी आउटपुट अपने आर्ट वर्क की आउटपुट इन दैट शेप। लेट मी ओपन अप दैट डॉक्यूमेंट अगेन और फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे ये किस साइज का इमेज बन गया। अब आप इसे 100% के लिए एग्जैक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो यू फाइंड आउट कि ये इतना बड़े साइज की आउटपुट आपके सामने। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इलस्ट्रेटर। ठीक है, आई पर्सनली रिकमेंड के ये छोटे छोटे काम अभी से आज शुरू करें। ये मैंने एक टास्क आपको बताया, आपने इस तरह के कम से कम 5 to 10 different टाइप्स के बैनर बनाए अपनी मर्जी के, अपनी चॉइस के, अपनी कलर स्कीम के साथ। एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि इसके बाद वाला टास्क, इसके बाद वाला टास्क। इफ़ यू वॉन्ट तो मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट कि आप ये सारे के सारे कम्प्लीट करें। इट विल गिव यू एग्जैक्ट आइडिया कि क्या कुछ और किस किस तरीके से।